अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। तो गाइस ये देखें, आज मैं कहाँ पर हूँ। आज हूँ मैं मुर्गियों वाले खुड्डे में। तो ये भाई ने सील मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो इनसे आज इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये कितनी देर में बच्चे जो है निकालती हैं, और एक जो मुर्गी है वो कितने की सेल होती है। तो ये बैठे हैं जी मियाँ इतजाज़ साहब, तो बताएं जी कितनी मुर्गियाँ ने अभी रखी हुई हैं। पाड़ा मतलब हुआ है कि नहीं, पाड़ा ही कहते हैं ना जी जी जी। बताएं कितने अंडे रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, ये मुर्गी बैठी है, ये 8 अंडों पे बैठी हुई है। ये इसको 10 दिन हो गए बैठी हुई को। जी जब जी। 21 दिन पूरे होंगे फिर ये बच्चे निकलेंगे, चूजे छोटे छोटे। ये 8 अंडों पे बैठी है जी। ये सील मुर्गी है, ये 8 से 10 अंडे देती हैं और ये फिर बैठ जाती हैं। जी, ये 21 दिन बैठने के बाद इनके चूजे निकलते हैं, फिर वो छोटे छोटे चूजे होते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये अंडों पे बैठी हुई, ये अंडे देखिए इसके नीचे, ये देखिए। जी जी चुकी एक बारी फिर थोड़े था चुकी। ये देखिए, तो उस साइड पर भी कुछ अंडे पड़े हुए हैं, वो किस लिए है? ये देखिएगा, ये भी मुर्गी अंडों पे बैठी है। वो अभी मैंने खुड्डा खोला है जी, तो वो गई है नीचे रेस्ट के लिए, फ्रेशमेंट के लिए। जी ठीक है। तो अभी बाकी के जो मुर्गियां वगैरह इसने रखी हुई हैं सील, वो दिखाते हैं आपको। जी आए जी, बाहर आए। तो वो देखें, वो भी सील है मुर्गा, अभी तैयार हो रहा है। तो ये लड़ाई के लिए तैयार करते हैं आप जी। तो दिखाएं बाकी, ये देखें जी, ये भाई की हवेली है। ये काफ़ी सारा माल रखा हुआ है, मज्जियाँ वगैरह, बकरियाँ वगैरह, फुल देसी माहौल है। इधर भी है, दिखाओ। तो ये कुछ, ये देखें, ये एक मुर्गी है बैठी हुई, ये मुझे गुस्से से घूर रही है। ये देखें, इसके नीचे कितने अंडे रखे हुए हैं? इसके नीचे 15 अंडे हैं। 15 अंडे, सब अच्छे ही हैं कि गंदे भी हैं? सब अच्छे हैं। ये 6-7 दिन तक इसके बच्चे निकलेंगे। 6-7 दिन तक जी, ठीक हो गया। तो वो देखें, चकोरे हैं कि मनार के? चकोरे, चकोरे मनार के, पंजाबी के, पंजाबी से मनार के, ठीक हो गया। ये देखें, ये है जी मेरा कज़न फहीम। इसकी जंग हो रही है कट्ठे के साथ। छेती छेती फाड़ो। फाड़ ला, फड़या नहीं आता। फड़ फड़ फड़। ओ लड़ियो ना, लड़ियो ना, तो ये मज्जे वगैरह रखी हुई हैं इन्होंने, वो भेडू वगैरह, बकरियां वगैरह, मुर्गियां वगैरह भी रखी हुई हैं। मुर्गियों की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो ये सील रखे हुए हैं कुछ नीचे जाकर, वो देखें मैं दिखाता हूँ अभी। सील मुर्गे जो हैं वो रखे हुए हैं, वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मुर्गियाँ हैं। इतजाज़, टोटल कितनी है मुर्गियाँ? 8 मुर्गियाँ, 2 मुर्गे जी। ये एक मुर्गा ये है, ये देखें। नस्लें इनकी कौन कौन सी है पता है? ये छोटे कद के मियाँ वाले हैं। छोटे कद के मियाँ वाले के हैं जी, ठीक है। ये देखें ऊपर आ रहा है। ये देखें, ये बच्चे जो है वो अंडे से बाहर आ गए हैं। कितने दिन के हैं ये? ये 1 माह के। ये 1 माह के हैं। हाँ जी। टोटल कितने निकले थे अंडों से? ये 7 थे, 1 माह के था, ये 6 हैं जी जी। ये देखें, ये टोटल 7 थे,
इनका जो एक भाई है वो मर गया है। नहीं कितने हैं ये तो अभी चार हैं। दो घूम रहे होंगे इधर। जी जी सही। ये भाई तैयार कितनी देर के अंदर अंदर हो जाते हैं, मतलब के 6 माह के अंदर तैयार हो जाते हैं मुकम्मल मुर्गी और मुर्गा तैयार। जी ठीक है, 6 माह के अंदर। सेल कितने का हो जाता है अगर सेल करना हो तो? 1200 रुपये का, 1500 रुपये का सेल हो जाता है अगर अच्छा हो। गांव में? जी गांव में इतने का हो जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर आप खुद से हिसाब लगा लें कि यही जो 1200-1500 का है ये आपको 3000 रुपये का, 3500 का, 3000 का मिलेगा। बड़े वाले वो नहीं आते, वो दो नहीं आते। हाँ पकड़ो। खुड्डा बंद कर दिया इन्होंने तो अब चूजे पकड़ने लगे हैं, नहीं तो ये जो मुर्गी है ये मारती है। पकड़ो। आपसे तो पकड़े नहीं जाते। हाथ में पकड़ो ना, ऊपर करो। ठीक है छोड़ दो। ठीक है कुत्ते ते को रख लिया, इन्हें खा जाना ही। बिलकुल थोड़ी जी पाई इन्होंने पट्ठे ला दी।